रसमर नमन सककरीम वबी अजमाइन मोहतरम नाज़रीन, अल्लाम व्ल हम अपनी ये मिनी सीरीज़ तरबियत की रूह क्या है इसके अब इख्ताम पर पहुँच रहे हैं थोड़ा सा हम दोबारा इसका एक जायज़ा ले लेते हैं कि हमारे पाँच नक जिनको हमने तफसीली आपके सामने पेश किया हमने सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत वार्फत नंबर दो तश्स वब्दियत अबदीत यानि मुसलमान होने का एक की एक शनाख्त और अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करना और उम्मत पना अपने आ, अंदर लाना फिर नंबर तीन अजमत व हरमत दीन और शायर दीन की अज़मत और हरमत और उसके बाद नंबर चार इतबा अतात रसूल अक्रम स अपनी ज़िंदगी का इमाम बनाना अपना पेशवा बनाना उनकी पैरवी में अपनी ज़िंदगी गुजारना अपने हर मामले में ये देखना कि हजूर अकरम सल्ला वसम का उसवा वसना क्या है और फिर नंबर पाँच व आखिबत कि मैं अपने हर क़ो फ़ेल का दुनिया में आखिरत में जवाबदेह भी हूँ उसके नतज का जिम्मेदार भी हूँ और इन में इसमें हमने बात की कि बच्चों के सामने आखिरत को कैसे खोलें जन्नत को जजा सज़ा को और आम, हिसाब किताब को अजाब को इसकी बात कैसे की जाए उसको इसको सामने कैसे लाया जाए फिर तकवा क्या है अपने आप को बचाना बुराई से बचाना अल्लाह के हराम से बचाना अल्लाह देख रहा है मेरा अल्लाह सुन रहा है मेरा अल्लाह मेरे साथ है कि रामन कातबीन लिख रहे हैं और हमारा एक दुश्मन भी है जिससे हमें बचना है शैतान और उसका कोई हमारे ऊपर उसका उसकी इजारा नहीं है हम अगर उसके दावत को तर्क कर देंगे अल्लाह की दावत को कबूल कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे फिर उसके बाद अगली चीज़ हमने जो बात की थी कि हमारे बच्चे आ, कानून की पासदारी और कानून के नफाज करने वालों का अहतराम कैसे करें और क़ानून की पासदारी करने वाले अच्छे शहरी मुसलमान मजबूत मुसलमान शहरी बने जो सारी दुनिया के लिए मश बने और आ, उसके साथ उनको समझ आए कि एक अदलिया का निज़ाम होता है जजा सज़ा होती है दुनिया में भी है आख़रत में भी है और उसमें एक इंसाफ भी है आ, उसमें दावा भी है और दावे की रद्द भी है और अपने सबूत भी हैं और शवाहद भी हैं ये सारे चीज़ उनको समझ आए और फिर सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी माशरती ज़िम्मेदारी जो अल्टीमेटली जो खिलाफत जिसका मकसद है कि हर इंसान हर मुसलमान अल्लाह का खलीफा बन के अल्लाह का नुमाइंदा बन के दुनिया में ज़िंदगी गुजारे अल्लाह के मंशा को अल्लाह के अमर को इस जहान में वजूद में लाए और आ, उसको किस तरह से करे इसको आ, उसमें लीडरशिप कैसे आए इसको हमने सारा खोला आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो यह है पीस एंड जस्टिस अमन और अदल और इसमें कोई शक नहीं है कि शरीयत के मकासद में है कि अमन और अदल सारे जहान में आए इंसान सारी दुनिया में अमन और अदल में रहें और ये ही ये अल्लाह के हुक्मों को बजा लाने से ही आता है उसमें एक बहुत अहम जुज़ जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी के मसालेहत और यानि इतने थोड़ी सी शर्म की बात है कि हम मुसलमान होते हुए हमने मसालेहत नहीं सीखी सुलह कराना नहीं सीखा और माशरे की असलाह करना नहीं सीखी यानी असलाह से क्या मुराद कि माशले में जो बिगाड़ है जो आपस के तनाज़ों हैं जो आपस के झगड़े हैं उनको ख़त्म करना और उनको आ, अमन की तरफ लाना आपस की मफाहमत की तरफ लाना ये हमने नहीं सीखा ये चीज़ हमारे यहाँ कहीं नहीं सिखाई जा रही ना स्कूलों में सिखाई जाती है न किसी और इदारे में सिखाई जाती है और जो चार साल का बच्चा मसालत और मफाहमत नहीं कर पाएगा वो चालीस साल पर जा भी नहीं कर पाएगा ये बचपन से सिखाई जाती है घरों में सिखाई जाए स्कूलों में सिखाई जाए और यानि हर मराहल पे सिखाई जाए जिसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले कि मेरा अपना किसी के साथ अगर कोई मसला है मैं उसको कैसे रिजोल्व करूँ उसके साथ बैठ के बात कैसे करूँ उसके साथ मुफ़ाहमत कैसे हो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है इन निनु ना अफवतन फसल बना ईमान वाले तो आपस में महज भाई हैं सबका रिश्ता एक भाइयों का है तो अपने भाइयों के दरमियान के मामलत की असलाह करो आपस की सुलह सफाई कराओ झगड़े ख़त्म कराओ हमारे यहाँ बरक्स देखा जाता है ख़ुदा न खास्ता समझें यानि हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि मर्द भी औरतें भी कोई झगड़ा हो गया तो और उभारते हैं और अकसाते हैं और कहते हैं जल्दी पर तेड़ छते हैं ताकि और झगड़ा बढ़े इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं इससे मज़े लेते हैं चस्के लेते हैं लोग झगड़ें गाली गलोच करें दस्त तो ग्र हो जाएँ मारपीट करें कत्लो गत हो जाए और ऐसे होता है एक गाड़ी किसी की दूसरे से लग जाए तो ये डर होता है कि कहीं आगे खुदा न खासा कोई किसी की जान ना ले ले ऐसे यहाँ पे यानि जो माहौल बनता है चूँकि हम बचपन से हमारी तलीम तरबियत का कोई निसाब नहीं है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मसालत मफाहमत और आपस में अपने मामला को हल करना ये सिखाया जाए ये बचपन से शुरू होना चाहिए प्री स्कूल से शुरू होना चाहिए घरों में शुरू होना चाहिए कि अगर किसी ने किसी की कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा दूसरे ने छीन लिया या उसके खाने में से कोई चीज़ उसके सेब की एक फांक ले ली या और कोई इसी तरह से उसको धक्का दे दिया गलती से दे दिया या जानबूझ के दे दिया अब आपस में कैसे मसाले हो आपस में कैसे मफाहमत हो तो ये सीखा जाए तो फिर अमन और अदल आएगा जब बच्चों में आएगा तो ये बड़े होंगे और फिर माशरे में होगा सबको ये सबकी ये आदत हो गाड़ी से निकलने खुदा न खास्त गाड़ी लग गई तो सबकी पहली ये उसकी उनकी छठी हिस्स में ये चीज़ हो उनकी उनका पहला रिस्पॉन्स ये हो बाहर निकल के कि जिसने गलती की वो मान लेके हाँ जी मेरी गलती थी मैंने आपको देखा नहीं आप इधर से आ रहे थे आपका इशारा नहीं देखा मेरी गलती है अब एक जब मान लेगा अपनी गलती तो ऑटोमेटिकली दूसरे का दिल नरम हो जाता है वो कहता है जब आपने चलें आपने माफ़ी मांगी ली है तो चलें ठीक है छोटा मोटा हो गया आगे चलें आइंदा ख्याल रखें इस तरह कह के बात ख़त्म हो जाती है और दूसरा कहे वो निकले इसी जोर से कि मैं इसको दबा दूँ इसको अपने आ, जेर कर दूँ तो फिर आगे झगड़ा होगा तो ये चीज़ नहीं सीखी जाती इंटरनेशनली दुनिया में जहाँ मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना तनाजों हैं तो पाकिस्तानियों को नहीं भेजा जाता मफाहमत कराने के लिए क्यों पाकिस्तानी को आता नहीं है काम हम और क्यों नहीं आता क्योंकि हमारी इसकी कोई तरबियत नहीं है हमारी तालीम का ये हिस्सा नहीं है इसको बनाए इसको बाकायदा बनाएं और सिखाएँ और इसमें आ, पीस एंड जस्टिस अमन और अदल लाने में दूसरी बहुत अहम चीज़ है माफ़ करना और माफ़ी मांगना कभी माफ़ करना मुश्किल होता है कभी माफ़ी मांगना मुश्किल होता है अब छोटे बच्चे जब उनसे कोई माफ़ी मांगे तो फौरन माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो फ़ितरत के ज़्यादा करीब होते हैं तो माफ़ी मांगना मुश्किल होता है कभी कभार अब उनको इस पर लाना ये कह देना बच्चे से सॉरी कहो माफ़ी मांगो इससे नहीं होगा इससे कभी भी मामला नहीं हल होगा पहला उसका जवाब ये होगा मैंने क्या किया मैंने कुछ गलत नहीं किया उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने किया क्या जिसकी मैं माफ़ी मांगूँ अब उसको ज़बरदस्ती आप करवा दें वो मुंह बना के कह देगा सॉरी लेकिन और तो दूसरा कहेगा कह रहा है लेकिन ये मन ये इस इसके दिल से नहीं है ये दिल से नहीं कह रहा अब इस पे अब तुम तो उसको माफ़ कर दो बस जैसे भी कह रहा है अब माया आमतौर से इस तरह से डील कर लेती लेकिन इससे मसला हल नहीं होता भाई पहला बच्चा समझे तो सही मैंने गलत किया क्या है और ये बच्चा कभी कभार छोटा बच्चा नहीं कभी कबार तीस चालीस साल का भी बच्चा नहीं समझ पाता कि मैंने किया क्या गलत उसके सामने पहले आए तो सही कि चार्जशीट क्या है मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है इशू क्या है जिसको जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है तो उसके सामने रखा जाए कि भाई ये तुमने गलत किया तो उसको पता चले वो अपने दिल के अंदर बात को ले कि वाक़ यह मैंने किया है एतराफ़ इकबाल जुर्मता और फिर ये गलत इसलिए था इसका ये नुकसान हुआ जो दूसरे को पड़ा बिलफर्ज़ के मैंने केले का छिल केला खा के छिलका फेंक दिया अब दूसरा उस पर फिसल गया तो ये मैंने गलत किया आइंदा क्या कि मैं कभी भी छिलका ज़मीन पर नहीं फेंकूँगा हमेशा कचरे के डब्बे में फेंकूँगा और आपको जो तकलीफ़ आई मैं माफ़ी मांगता हूँ और अगर मैं इसके लिए आपको कुछ कर सकूँ तो कोई गिफ्ट ला के दूँ क्या किस तरह से इसकी तलाफ़ी और कैसे इसकी मैं सफाई करूँ तो दूसरे कह नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैंने आपको माफ़ करूँ तो ये माशरे में बच्चों में सिखाया जाए माफ़ी मांगना सिखाया जाए इसके तीन जो स्टेप्स बताए मैंने इसके एतबार से सिखाया जाए और फिर माफ़ करना मेरे नज़दीक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है बड़ों को मुश्किल होता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर उन्हें सीखना चाहिए जैसे बच्चे माफ़ कर देते हैं वैसे हम भी माफ़ करें और फिर तीसरी चीज़ जो अमन और अदल लाएगी जो बच बच्च, बचपन से शुरू हो कि अपने जज्बात और अवातिफ को समझना और सेल्फ़ कंट्रोल उनको फिर अपने काबू में लाना अपने जज्बात को काबू में लाना इसकी मश्क इसको ख़ुद भी मॉडल करना होगा देखें ये चीज़ें बताने से नहीं आती ये चीज़ें मॉडल करने से इसका ये दिखाने से आती हैं बताने से नहीं आती दिखाने से आती हैं काल मुंतकिल नहीं होता हाल मुंतकिल होता है तो माहौल ऐसा बनाना होगा बड़ों को इसकी मॉडलिंग करनी होगी करके दिखाना होगा इसके लिए आपको एग्जाम्पल बनना होगा तो बच्चों को अपनी इमोशंस नहीं समझ आती मैं क्यों रो रहा हूं छोटा बच्चा है रो रहा होता है भाई अच्छा उससे पूछो क्यों रो रहे हो उसके पास जवाब नहीं होता उसको खुद नहीं समझ आ रहा और वो ये नहीं कह सकता मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों रो रहा हूं वो बस रोने और ज्यादा जोर से रोएगा तो उसको कभी कभार ऑप्शन सामने रखनी होती है पूछना होता है इससे उसे पता चलता है कि वाकई आपको उसकी कदर और फ़िक्र है आप पूछें क्यों रो रहे हो तो उसको फ़ौर मैसेज मिलता है कि इनको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है ये सिर्फ मुझे इनको जो परेशानी है वो उनको है वो सिर्फ़ उस वजह से कि मैं शोर मचा रहा हूँ तो और ज़्यादा शोर मचाता तो जब आप उससे पूछते हैं क्या हुआ कोई कुछ कोई चोट लग गई तो उसको लगता है कि अब ये मेरे करीब आ रहे हैं वो कहता है नहीं सर हिलाएगा फिर किसी ने मारा नहीं अच्छा किसी ने तुम्हारी कोई चीज छीन ली नहीं भूख लग रही है नहीं करते करते आदमी पहुंचता है कि अम्मी याद आ रही है कहता है हाँ तो अब जो है ना बिल फर्ज टीचर है तो वो अपने गले से लगा लेंगी कि मैं मैं भी तो तुम्हारी अम्मी की तरह हूं मैं इधर तो तुम्हारी अम्मी की तरह हूँ कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में छुट्टी होगी फिर आप अपनी अम्मी के पास चले जाएंगे इस तरह से उनसे उससे बात हो जाएगी अब क्या होगा कि उसको समझ आएगी कि मैं क्यों रो रहा था इस तरह अब वो खुद भी ना ये प्रोसेस कर सकेगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ तो इसका कोई हल है फिर या वो बता सकेगा किसी को कि मेरे ये वजह है इसी तरह सेल्फ कंट्रोल अपने जज्बात को काबू करना एकदम उससे कह तो चुप हो जाओ मत रो मत हंसो मत भागो मत खेलो अब एकदम बच्चे का कोई स्विच नहीं है कि वो एकदम अपने आप को स्विच ऑफ कर दे फिर वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसको उसका तो एक एक चीज़ में एक मगन है ना तो आप फिर ज़बरदस्ती या डांटेंगे या मारेंगे या कुछ इस तरह की हरकत करेंगे उसको रोकने के लिए अब और ज़्यादा मसला होगा अब उसको तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्यों इस तरह ट्रीट किया जा रहा इसलिए अगर आप सेल्फ कंट्रोल चाह रहे हैं तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप समझें कि वो क्लास में हंसते हैं जोर से हंस देते हैं और इससे दूसरे कोई कहीं दूसरी क्लास में डिस्टर्ब हो रहे हैं बिलफ़स तो आप उनको हंसी को तो अप्रिशिएट करेंगे लेकिन यह कि भाई अगली बार जब हंसेंगे हम तो थोड़ी सी आवाज़ वॉल्यूम कम कर लें वॉल्यूम कम कर लेंगे ऐसे अलग बच्चों को जिस तरह से लेकर ताकि वो खुद ये चीज़ सीखें उनको एकदम मना कर देने से नहीं चीज़ रुकेगी सेल्फ कंट्रोल उनको कोच करना पड़ेगा कोच करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप लेकर ताकि वो एक स्टेप रख सकें फिर दूसरा रख सकें एकदम से अगली मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे तो अगर हम इन चीज़ों का अहतमाम करेंगे तो इन शाह यानि कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन बाहमी इख्तलाफात को के मफाहमत और मसालहत आपस में बातचीत के साथ हल और फिर माफ़ करना और माफ़ी मांगना और फिर तीसरी चीज़ के आ, अपने जज्बात को समझना और उन पर काबू पाना तो फिर इससे अमन और अदल सारी दुनिया में आएगा इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह ताली हमारे बच्चों को अमन और अदल सारे आलम में लाने वाला बनाए खैर के लिए चाबी शर के लिए ताला बनाए और माशरे में मस्बत तब्दीली लाने में अपना किरदार अदा करने वाला बनाए जजाक बोल